वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IQ की तरफ से गाइज IQ Z6 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ गाइज, ये जो है इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है गाइज आज। और यहाँ पे गाइज इसकी जो लॉन्च डेट है वो आज की है। तो गाइज यहाँ पे ऑफिशियली जाके IQ के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हो। लेकिन गाइज यहाँ पे मैं फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, क्या है इसके फीचर्स, कितना इसका प्राइजिंग है और क्या ये फ़ोन लेना अच्छी है या नहीं है, या फिर शायद इससे बेटर फ़ोन है मार्केट के अंदर इसी प्राइस रेंज में जो मैं बात करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके साथ साथ गाइस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइस वीडियो को शुरू करें। इमेज सर्फेस हुई है और यहाँ पे गाइस ये दो स्मार्टफोन है, यहाँ पे एक IQ Z6 Pro 5G वेरिएंट लॉन्च होने वाला है और एक 4G वेरिएंट लॉन्च होने वाला है। लेकिन गाइस यहाँ पे हम सिर्फ Z6 Pro 5G वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे गाइस बात करूँगा इसके प्रोसेसर के साथ ही, जहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको 778 का ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है गाइस। यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस है फोन की वो बहुत ही लाजवाब होने वाली है गाइस। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको गाइस 6.44 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 128 GB रैम के साथ आने वाला है, यानी 6 GB और 128 GB रैम ये सपोर्ट करेगा गाइस। इसके साथ साथ यहाँ पे गाइज अगर हम इसके कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो ये आता है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप के साथ, जहाँ पे आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। और बाकी जो दो कैमरा है गाइज उसके बारे में अभी इतनी डिटेल नहीं है कि वो कौन से कैमरा होने वाले हैं, वाइड एंगल और माइक्रो शूट कैमरा जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो कौन से और कितने मेगापिक्सल के होने वाले हैं वो अभी नहीं पता है। इसके साथ साथ गाइज यहाँ पे आपको 4700 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, जहाँ पे गाइज ये 60 W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, यानी विद इन 30 मिनट्स के अंदर ये आपकी फुल जो चार्जिंग है फ़ोन की वो कंप्लीट कर देगा। इसके साथ साथ गाइज यहाँ पे बात करें तो ये बहुत बढ़िया स्मार्टफोन लग रहा है। यहाँ पे गाइज अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की तो यहाँ पे इसका प्राइस जो निकल के आ रहा है वो लगभग 25,000 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। तो गाइज ये प्राइसिंग एक्सपेक्टेड है, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकती है या इससे कम भी, आप में से अगर किसी को पता है, क्योंकि गाइस जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा ये स्ट्रीम शायद कंप्लीट हो जाएगी जो IQ की है। तो प्राइसिंग ज़रूर बताइए अगर किसी को भी पता है। एंड इसके साथ साथ गाइस बात करें अगर इसके देखिए फीचर्स गाइस बहुत अच्छे हैं। प्रोसेसर की बात करें, कैमरा तो आपको हर फोन में मिलता ही है, हालांकि कुछ फ़ोन्स में इसी बजट में आपको क्वाड कैमरा भी मिलता है। लेकिन गाइस यहाँ पे बात है इसके प्रोसेसर की। अब IQ के जो स्मार्टफोन्स होते हैं गाइस, IQ जो होता है वो जो ब्रांड है, जो बात करें कुछ सालों में पिछले काफ़ी अच्छा उन्होंने मार्केट गेन किया इंडिया के अंदर भी, और प्रोसेसर के मामले में गए IQ का कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर जो है अपने स्मार्टफोन्स के अंदर लगाता है। तो वही परफॉर्मेंस वाइज ये स्मार्टफोन बहुत अच्छा है और बजट भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा कम हो सकता था, लगभग 20,000 की रेंज में भी ये प्रोवाइड किया जा सकता था। लेकिन ठीक है गाइस, कंपनी को अपना प्रॉफिट भी देखना है, सब चीज़ें निकाल के 25,000 रुपये का ये फ़ोन पड़ रहा है। अब एक्चुअल प्राइस क्या है ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब तक शायद स्ट्रीम जो है वो कंप्लीट हो गई होगी। तो आप में से किसी को भी प्राइसिंग पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस।